फ्रेंड्स, मैं आशीष पांडे, सन ऑफ श्री राकेश पांडे। आप मुझे पहचान रहे होंगे पिछले 4 दिनों से मीडिया ट्रायल मेरे ऊपर जो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। ऐसा मुझे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे मैं कोई टेररिस्ट हूँ और वांटेड हूँ और पूरे देश की पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मेरे लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। जी हाँ, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि उस दिन रात को एक घटना हुई थी। मुझे इसकी जानकारी 2 या 3 दिन बाद पता लगी थी जब वो वीडियो वायरल हुआ, लेकिन उस घटना को सिर्फ एक पक्ष के द्वारा ही दिखाया जा रहा है, उनके समर्थन में दिखाया जा रहा है। अगर इसको पता लगाया जाए कि उस दिन रात को क्या हुआ था, CCTV फुटेज दिखाया जाए, ये देखा जाए कि लेडीज़ टॉयलेट में कौन घुसा हुआ था और वहाँ से बाहर निकल के किसने किसको धमकी दी थी। जी हाँ, ये भी सारी चीज़ें देखने वाली हैं। जब बाहर निकले, मैं उसको भी मानता हूँ कि मैं गाड़ी से सुरक्षार्थ अपना लाइसेंस वेपन लेके गाड़ी से निकला था। मैंने ना उसको दिखाया है, ना उसके ऊपर ताना है। वेपन मेरे पैर के पीछे साइड में पूरे टाइम मेरे साथ था। आप लोग मुझको बोल रहे हैं कि मैंने उस लड़की से अभद्रता की, उसको पिस्टल दिखाई, उसको धमकी दी। मैंने उस लड़की को एड्रेस तक नहीं किया, मैंने उससे बात नहीं की, मैं उसकी तरफ मुखातिब तक नहीं हुआ। उसने मुझे धक्का दिया, उसने मुझे अपने हाथों से अश्लील इशारे किए, उसके फ्रेंड ने मेरे को उल्टी सीधी बातें बोली। खैर, ये सारी चीज़ें मैं पुलिस को अपना बयान में बताऊँगा। दूसरी रही बात, मुझे अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा है, मैं उसके थ्रू ही अपना सरेंडर करूँगा। और दूसरी चीज़, जिस तरीके से मीडिया मेरा ट्रायल कर रही है 4 दिन से, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, दैट मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक पॉलिटिशियन का बेटा होना या एक पॉलिटिशियन का भाई होना कोई गुनाह नहीं है इस देश में। मैं अलग से एक बिजनेसमैन हूँ, अपना बिजनेस करता हूँ, हैवी टैक्सेस फाइल करता हूँ, पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ आज तक ना तो किसी को थप्पड़ मारने की रिपोर्ट है, ना ही किसी के कोई सिविल केस भी मेरे ऊपर नहीं है कि मेरा किसी से कोई विवाद चल रहा हो किसी सिविल केस का। जहाँ तक रही लाइसेंस की बात, मेरा लाइसेंस ही वेपन है, पिछले 20 साल से मेरे पास वो लाइसेंस है। मेरे खिलाफ आज तक उस लाइसेंस को लेके या मैंने कोई बदतमीजी करी हो किसी के साथ या किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया हो, ऐसा कभी आज तक मेरे साथ नहीं हुआ। जी हाँ, मैं जाऊँगा, मैं सरेंडर करूँगा, मैं अपनी सारी बात रखूँगा। मेरे आप लोगों से खाली यही विनती है कि एक बार आप लोग CCTV फुटेज निकलवा के देखिए कि अंदर क्या हुआ था, किसने किसको धमकी दी थी। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी जब मैंने उससे बाथरूम से बाहर निकलने को बोला है। मैंने सिक्योरिटी बुलाई है, सिक्योरिटी ने उससे बाहर जाने को बोला है। आप सिक्योरिटी वालों का बयान लीजिए, हयात होटल के स्टाफ से बयान लीजिए, आपको सारी जानकारी हो जाएगी।